जय हिंद प्यारे दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत दोस्तों वैकेंसी आउट हुई है। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें टोटल बताई है सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। सबसे खास बात यह दोस्तों, सैलरी की बात करो तो 75,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उससे भी खास बात यह दोस्तों, सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत काम करने का सुनहरा अवसर आपके पास आ गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सारी बातें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरीके से वीडियो को जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। तो पोस्ट की बात करें तो 3 टाइप के अलग अलग पोस्ट आउट हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी एक पोस्ट के बारे में इस वीडियो में। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, एसोसिएट फेलो की पोस्ट है। टोटल बात करें तो टोटल पोस्ट है 15। इसमें दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। उससे भी खास बात बता दूं दोस्तों, आपको 75,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से मेंशन किया गया है, कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और मेंशन है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए जब आपने ग्रेजुएशन की थी। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। 60% या 60% प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों पक्की सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो बेसिकली दोस्तों ये टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकली है, कुछ पोस्ट है, 15 पोस्ट आउट हुई है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इनका 30 नवंबर 2021 को आउट हुआ है। उसमें मेंशन किया गया कि इसके पब्लिश होने के 45 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। यानी कि इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 14 जनवरी से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपना एक रिज्यूम में बनाना है। जो वो आप रिज्यूमे बनाएंगे वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का बनाएंगे दोस्तों। उसमें हमने सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर मेंशन कर देना, कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी जरूर मेंशन कर देना, और ये सब चीजें आपको मेल करनी है। जब आप मेल करेंगे तो मेल के सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट फॉलो। आपको मेल करना है दोस्तों djbact1@gmail.com। इसकी फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आप इसका एडवर्टाइजमेंट जरूर रीड आउट कर लेना, वो आपका रीड आउट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।